उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों को लेकर योगी सरकार हुई सख्त। हर जिले में शुरू हुई चेकिंग और कार्रवाई। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में तमाम इबादतगाह, धार्मिक स्थल, मस्जिद, मंदिर, ऐसे सभी जगहों पर लगाए गए लाउडस्पीकरों की चेकिंग का अभियान राज्य सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश से शुरू किया गया है। 23 नवंबर 2023 से लेकर 22 दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश के हर जिले में ये चेकिंग अभियान और कार्रवाई अभियान चलने वाला है। तो किस तरह से यह अभियान चल रहा है देखिए। प्रतापगढ़ की कई मस्जिदों पर कार्रवाई की गई है, नोएडा के कुछ मंदिरों पर कार्रवाई की गई है। अब तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार, हर जिले के आंकड़े मिला करके कुल राज्य भर के जो आंकड़े हैं, तो प्रशासन ने 61,399 लाउडस्पीकरों की चेकिंग की है, जिसमें से जहां जहां मानक के तौर पर, यानी जो सीमा दी गई है डेसीबल की, उसके ऊपर जाकर के आवाज करने वाले जितने लाउडस्पीकर थे उनकी संख्या है 7,288। तो इन 7,288 लाउडस्पीकरों को फिर से कम डेसीबल पर लाया गया है, जिसकी मान्यता है उतने ही डेसीबल पर ये लाउडस्पीकर चलाने के निर्देश सभी धार्मिक स्थलों को दिए गए हैं। इसके अलावा 3,238 ऐसे लाउडस्पीकर थे जो तय सीमा से ज्यादा डेसिबल पर आवाज कर रहे थे। तो ऐसे 3,238 लाउडस्पीकर निकालने की कार्रवाई की गई है। प्रतापगढ़ के मस्जिदों पर यह कार्रवाई सुबह 5 से 7 के बीच में की गई, अन्य जिलों में भी की गई है, नोएडा के कुछ मंदिरों पर कार्रवाई की गई है। एक महीना चलने वाला ये सरकार का लाउडस्पीकर चेकिंग अभियान और कार्रवाई का अभियान क्या रंग लाता है और कितने धार्मिक स्थल हर धर्म के इसकी कार्रवाई की जद में आते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर अभी फिलहाल ये आंकड़ा 61,399 तक पहुंचा है चेकिंग के मामले में। कार्रवाई के तौर पर निकाले गए लाउडस्पीकरों की संख्या है 3,238। अब इसमें मस्जिद के कितने हैं, मंदिर के कितने हैं, चर्च के कितने हैं, इसकी कोई बाइफर्केशन करके, यानी इनको वर्गों में बांट करके इसके आंकड़े अभी तक सरकार ने मुहैया नहीं कराए हैं। राज प्रतापगढ़ में लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों पे जो लाउड स्पीकर लगाए गए हैं उनको उतारने का जो है अभियान चल रहा है, सर अभी तक ये कहां कहां पे चल रहा है और कितने लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों से उतारे गए हैं? देखिए, शासन स्तर और पुलिस मुख्यालय द्वारा दिर्गत निर्देशों के क्रम में आज 27 तारीख को सुबह 5 बजे से 7 बजे तक सभी राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारी, सभी चौकी इंचार्ज, हल्का प्रभारी, सभी के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसके क्रम में अवैध लाउड स्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्र, उनकी वॉल्यूम कम कराना और उनको वहाँ से उतरवाया गया है। इस प्रकार के व्यक्ति जिनके द्वारा बार बार समन्वय स्थापित करने के बाद, संवाद स्थापित करने के बावजूद भी वहाँ पर अवैध रूप से लाउड स्पीकर लगाए गए और तेज आवाज़ रखी गई, उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है और काफ़ी संख्या में इस प्रकार के लाउड स्पीकर और ध्वनि विस्तार के यंत्रों को हटवाया गया है। सर कितनी संख्या होगी कुछ अभी तक? करीब 350 के आसपास लाउड स्पीकर और ध्वनि विस्तार यंत्र, जो कि सभी प्रकार के धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर।